उठाओ एक तारीख, आओ तुम्हें मिस्र की कहानी सुनाऊं। किनान की जमीन की एक कहानी सुनो। कुरान ने तज़किरा किया है और वो कहानी किसी और की नहीं, अल्लाह के उस अजीम पैगंबर की कहानी है जिसे दुनिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं। हसीन इतने थे कि जब पानी पीते थे तो गले के अंदर उतरता हुआ दिखाई देता था। ये हुस्न था हजरत यूसुफ का। माँ इस हुस्न पे वारी जाती, बाप बेटे के इस हुस्न से फिदा रहते। 11 भाई हजरत यूसुफ के थे, हजरत यूसुफ को मिला के 12 भाई थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बिन्यामीन, ये दोनों एक माँ से थे। इनकी वालिदा का नाम हजरत राहीला था। पैदा होने के बाद कुछ दिन के बाद वालिदा का विसाल हो गया। बाप की चादर शफ़क़त में आए, बाप ने परवरिश की। हाँ साहिब, हम लोग बाप को ना ये सोचते कि बाप हमसे प्यार नहीं करता, माई हमसे प्यार करती है। क्यों? इसलिए कि उसका लहजा सख्त है, उसका मिजाज गर्म है, इसलिए हम कहते बाप हमसे प्यार नहीं करता। वो नहीं, अगर ये प्यार ना करता तो खुदा की कसम ये तपती हुई धूप में तेरे लिए मजदूरी करने रह जाता। अगर इससे तुझसे इसको मोहब्बत ना होती तो ये जाकर के रोडों पे आधी आधी रात को खड़ा नहीं होता। जब दुनिया बरसात के मौसम में बिस्तरों पे बैठी होती है तब तेरा बाप तेरे लिए रोजी तलाश करने निकलता है। अगर ये बाप की मोहब्बत नहीं तो और क्या? इतनी कुर्बानियों के बाद भी बेटा बिल्डिंग बनाए और दरवाजे पे लिख दे कि मेरी माँ की दुआ है और बाप का जिक्र ही ना करे, तो जरा मुझे सच बता कि इस जुमले से बाप को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो जवानों, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? यकीनन तकलीफ होगी। गाड़ी खरीदी, लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है। अजीब हाल है हमारी कौम का। जो भी आता है माँ की शान, और यार बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा? ना यहाँ से बाप की शान बयान बयान जा रही है, ना वहां से सुनने को तैयार है। वहां से भी कहता अम्मा के रुतबे बयान कर दो, और यहाँ से भी सिर्फ माँ की शान मशारे तैली है। ओ यार, कभी बाप की कहानी भी तो सुनाया करो ना। इसने औलाद के लिए कितने धक्के खाए हैं, कितने बाप औलाद के लिए कमाते कमाते मौत को गले लगा चुके चले गए। इस कड़वी सच्चाई को कौन बयान करेगा? लिख देते ये मेरी माँ की दुआ है। तो यार तेरी बिल्डिंग बनी, अच्छी बात है, तूने लिख दिया माँ की दुआ, तो सच बता वो माँ की दुआ है तो बाप क्या पूरी जिंदगी बद्दुआ करता रहा? सोचो बाप ने क्या बद्दुआ की है? जब भी कभी अल्लाह तुम्हें नेमत दे और उस पे किसी का नाम लिखना चाहो तो सिर्फ माँ का नाम मत लिखना, बल्कि ये लिखना ये मेरे माँ बाप की दुआ है, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। बच्चों जवानों, ये बात ज़हन नशीन कर लेना। मैं फ्री फंड में जन्नत बांटने कहीं नहीं जाता, बस अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर आपने मेरी इतनी बात पर अमल कर लिया कि हम कभी भी लिखेंगे तो सिर्फ माँ की दुआ नहीं बल्कि माँ बाप की दुआ लिखेंगे, तो मैं समझूंगा मेरा आना कबूल हो गया, भाई जाकिर का बुलाना कबूल हो गया। इतनी बात पर भी अगर अमल कर लिया गया, मेहरबानी करो माँ बाप के एहसानात को मानो, वरना तुमने देखा नहीं कितने लैंड महंगे, जो लाइट संभालते रहते, लाइट आ जाती है वहीं पे जल जाते 11,000 की लाइन से। और कौन सी खुशी लाई थी उसे मौत के करीब, उसके अपने शोक रह गए थे। कितने लोग ऐसे हमने अखबारों में पढ़ा है, खबरें सुनी है, पहाड़ पर काम करने गया था, पैर फिसला, नीचे गिरा, भेजा निकल गया। और किसके लिए गया था मजदूरी करने? तेरे लिए। किसी पे बारिश में मजदूरी करते करते बिजली गिरी और बाप मर गया, और वो किसके लिए मरा? तेरे लिए। आज उसके इतने बड़े इनाम की कीमत तूने कैसे चुकाई? कि नहीं जी, मुझे बाप का चेहरा ही अच्छा नहीं लगता, और तुझे मालूम नहीं मेरे नबी ने अपने चचा से कहा था, चचा मेरे पीछे न चला करो, लोग कहते हैं आपकी सूरत मेरे बाप अब्दुल्ला से मिला करती थी। जब आप मेरे पीछे चलते हो तो मुझे हया आती है। अल्लाह अकबर, नबी ये बाप को दर्जा दे रहे हैं, चचा से कह रहे हैं पीछे ना चलो, आज बेटा बाप से एक आगे चलता है। मेहरबानी करो, बाप बूढ़ा हो जाए तो इसका बाप ना बनो, इसका सहारा।
इसका उस्ताद ना बनो, इसका वारिस बनिए। और मेहरबानी करो, रिश्तों की कदर कर लो, रिश्तों का ख्याल करो। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम एक दिन बैठे ना बाप की गोद में, सुबह को उठे, उठ के कहने लगे, अब्बा जी मैंने ख्वाब देखा है। आपने फरमाया बेटे कौन सा ख्वाब? कहने लगे मैंने 11 सितारों को और चांद सूरज को सजदा कर देखा है। तवज्जो है ना आप लोगों को, बोलो सर नहीं हिलाना आप, थोड़ा सा जरा जबान हिला दीजिए, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। क्या कहा हजरत यूसुफ ने, अब्बा मैंने 11 सितारों को और चांद और सूरज को सजदा करते देखा है। इस ख्वाब की ताबीर क्या है? इस ख्वाब का बयान करना था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद की चीख निकली। जैसी रोए ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, कहने लगे बाबा क्यों रोए? कहने लगे बेटे तेरा ख्वाब बता रहा है कि तेरी मेरी जुदाई का वक्त करीब आ गया, तेरी मेरी जुदाई का वक्त करीब आ गया। मगर बेटे ये ख्वाब अपने भाइयों से न बताना, क्यों? अगर वो सुन लेंगे तो तुझसे वैसे ही हसद करते हैं, तेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। हजरत यूसुफ ने इस बात की तो गांठ बांध ली, लेकिन घर के अंदर ये बात करते हुए आपकी भाभियां सुन रही थी इन बातों को। जैसे आपके भाई घर में आए, उन्होंने अपने अपने शोहरों से ये बयान दिया कि आज यूसुफ ने ऐसे ऐसे अपने वालिद से ये ख्वाब बयान किया है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है। जैसे उन्होंने इस बात को सुनाना तो वो पीछे पड़ गए हजरत यूसुफ के, फिर पिलानी की कि अब इसको यहाँ से हटा देना ही बेहतर है कि बेटे तो हम भी हैं, फिर किसी से इतना प्यार क्यों किया जाता है। ये पिलानी होने लगी, किसी ने कहा ले जाकर के कत्ल कर देते हैं, कोई कहता है ले जाकर के दूसरे शहर में छोड़ देंगे। अल्लाह पर पिलानी होने लगी, आखिरकार फैसला ये हुआ लेकर के तो चलो। 10 बेटे आए हजरत याकूब के, और आने के बाद कहने लगे कि अब्बा जी यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, क्या करोगे? हमारा दिल चाहता है कहीं ने अपने साथ आने के लिए लेकर के जाएं। जैसे इतनी बात कही, फौरन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जबान से जुमला निकला, मुझे डर है कहीं मेरे बेटे को भेड़िया ना खा जाए। देखिए तो सही, अल्लाह के नबी का इल्म देखिए, आप फरमाते मुझे डर है कहीं मेरे बेटे को भेड़िया ना खा जाए। जैसे आपने इतना जवाब दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों का चेहरा देख के कहते हैं, बाबा मेरे भाइयों का दिल न टूट जाए, इजाजत दे दीजिए ना, अगर ये कहते हैं तो फिर मुझे जाने की इजाजत दे। हजरत याकूब बेटे का अंजाम जानते थे, और ये भी जानते थे कि जुदाई का वक्त आ गया है, आज यूसुफ जाएगा तो 40 साल तक नजर नहीं आएगा। हजरत याकूब को बेटे की जुदाई का पता था, लेकिन फिर भी बातिले नखास था, बेटे के इसरार पर हजरत यूसुफ के कहने पर इजाजत दे देते हैं। और जब आप जाने लगे ना, तो आपकी एक बहन हजरत ज़ैनब हैं, हजरत यूसुफ की बहन लगती हैं। जब हजरत याकूब रुख्सत करने के लिए उठे हैं, पहले हजरत यूसुफ को नहलाया है, नए कपड़े पहनाए हैं, बालों में तेल डाला है, बेटे को सजाया सवारा है, रुख्सत करते जा रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। भाइयों ने कहा था पापा रोने की जरूरत नहीं है, अगर कोई परेशानी होगी तो यूसुफ के 10 भाई हट्टे कट्टे जवान है, हम अपनी जान पे उस मुसीबत को झेल लेंगे, भाई पे कोई आफत नहीं आने देंगे। अल्लाह अकबर। पर जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रुख्सत करने आए हैं, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ को अलविदाई सलाम किया है, बेटे का माथा चूमा है, चीख निकली हजरत याकूब की, और जहां तक हजरत यूसुफ नजर आते रहे, खड़े होकर बेटे को देखते रहे हैं। भाइयों ने हजरत यूसुफ को कांधे पे बैठाया है, और बैठा के लेने लेकर के चले, जहां तक हजरत याकूब नजर आते रहे, भाई भाई को कांधे पे लेकर के जा रहे हैं। जैसे नजरों से ओझल हुए हैं, इधर हजरत याकूब खड़े हुए हैं, गुजरगाह को देख रहे हैं, जिससे बेटा गुजर के गया है, जानते हैं 40 साल तक यूसुफ से मुलाकात नहीं होनी है। ये जिगर का टुकड़ा था हजरत याकूब के, जिस किस्ते के बगैर याकूब को करार नहीं आता था, आज उनके जिगर का टुकड़ा जुदा हुआ है। पीछे से हजरत याकूब की बेटी हजरत यूसुफ की बहन, जिसको तारीख में ज़ैनब भी कहा गया है, एक और नाम लिया गया है, तोड़ तोड़ के आई है, कहती बाबा मेरा भाई कहाँ है? हजरत याकूब कहते हैं बेटी वो तो अभी अभी चले गए हैं। इतनी बात कहने की देर थी कि बहन
पेटी आग निकल जाती है। आप फरमाते हैं पेटी क्या हुआ, क्यों आग निकली है? तब हजरत यूसुफ की बहन ने कहा, था बाबा मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि मेरे भाई यूसुफ को 10 कुत्तों ने घेर लिया है और लगता है आज वो ख्वाब सच्चा होने वाला है। बाबा जी वापस बुलाइए यूसुफ को, का पेटी मशीयत यही चाहती है, मशीयत ऐसी यही है, अब यूसुफ को वापस ना बुलाया जाएगा। आपने पेटी को तसल्ली दी है और के यूसुफ की गुजरगाह में दोनों बैठ जाते हैं। अब इधर का हाल मुलाहिजा करो, आपसी बात पर भाइयों से नाराज हो जाया करते हो। कौन सा सितम न किया 10 भाइयों ने हजरत यूसुफ पर, कौन सा जुल्म न किया हजरत यूसुफ की जात पे न किया गया था? अल्लाह अकबर। पर जहां तक हजरत याकूब नजर आते रहे हैं, भाई प्यार करते रहे, जैसे मोड़ मोड़े हजरत याकूब की नजरों से ओझल हुए भाई ने हजरत यूसुफ को जमीन में पटका, जैसे पटका है बड़े भाई ने आके कहा था, अब पता तुझे बहुत ख्वाब दिखाई दे रहे हैं, पता तेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। एक भाई ने पिटाई शुरू की है, आप दूसरे भाई की तरफ रहे, उस भाई ने भी मारना शुरू किया, इरादा कत्ल का था। इतना हजरत यूसुफ को मारा गया, इतना पीटा गया, ऐसा लगता था कि अब दम निकलने वाला है। इतने में बड़े भाई ने आके कहा, जिसका नाम शमून था, उस के नौ भाइयों को रोका और कहा, खबरदार आप और हाथ मत उठा देना, लगता है यूसुफ की जान निकलने वाली है। अगर ये कत्ल हो गए, जान निकल गई, तो हम मरने के बाद अपने रब को कौन सा मुंह दिखाएंगे, हम जहन्नमी हो जाएंगे। क्या करना है? क्या करना ये है कि अब इसको उठाओ, यहाँ से किसी जंगल में जाकर के दूर डाल दो, कोई कहता शहर में फेंक दो, कोई कहता था जंगल में फेंक दो। आखिरकार शैतान आया इनका मुशीर बन के, उसने मशवरा दिया, ऐसा करो कि इनको कुएं में जाकर के डाल दो। भाई भी मुत्तफिक हो गए, हजरत यूसुफ के हाथों को बांधा गया, आपके बदन के कपड़े उतारे गए और ये यकीन दिलाने के लिए कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, बकरी ज़िबा की गई और बकरी ज़िबा करने के बाद आपके कुर्ते को खून से रंगा गया, हजरत यूसुफ को कुएं में लटकाया गया। कुएं की अजीब सूरत थी कि वो ऊपर से तंग था, नीचे से कुशादा था। जब रस्सी कटने लगी, रब ने फरमाया, जिब्रील अमीन अर्ज करते, जी रब्बे जलील, कहा जल्दी कर, यूसुफ की रस्सी कट चुकी है, वो कुएं की तरफ जा रहे हैं, चंचल से तख्त भी लेके जा, लिबास भी लेकर के जा, और जाकर के उनके पहुंचने से पहले उनके कदमों के नीचे बिछा दे और उनसे जाकर कह देना, यूसुफ उदास ना हो, सब्र करना तेरा काम है और वो तुम्हें बुलंद कर देना, ये तेरे परवरदिगार का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हजूर मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब कुबला, सुभान अल्लाह। कौन सा सितम भाई ने ना किया, वो कौन सा जुल्म था जो हजरत यूसुफ पे ना हुआ? अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ को कुएं में फेंका भाइयों ने और वापस पलटे शाम के वक्त वापस आए। कुरान फरमाता, वजाऊ अबाहु इशा यकूल, रात के वक्त अपने वालिद के पास वो रोते हुए आए और हाथ में हजरत यूसुफ का पोता था, कमीज की हजरत यूसुफ की, जानते हो ये कौन सी कमीज थी? अल्लाह हू अकबर। इस कमीज को निस्बत हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से किसे? हजरत बोल दो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से निस्बत थी इस कमीज को। आए शाम को, कहने लगे, अब्बा हम आगे निकल गए थे, यूसुफ पीछे रह गए, भेड़िया आया और हजरत यूसुफ को खा गया और कहा ये उनकी कमीज है। हजरत यूसुफ और हजरत याकूब अलैहि सलाम ने उस कमीज को खोला और खोल के कहने लगे, भेड़िया कितना अक्लमंद था, मेरे यूसुफ को खा गया और उसके कुर्ते कुर्ते पे एक जरा सा खोता तक नहीं लगा, बड़ा चालाक भेड़िया था, ये पूरे यूसुफ को खा गया और कुर्ता कहीं से ना फटा। आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और आए उस मकाम पर जहां बकरियां चराते थे ये, और आने के बाद पहाड़ के टीले पर चढ़े और चढ़ने के बाद आवाज देके कहा था, ओ जंगली जानवरों, जरा बाहर निकलो, आज अल्लाह का नबी तुमसे हिसाब लेने आया है। ये बात कही थी, आज अल्लाह का नबी
तुमसे हिसाब लेने आया है। आप आवाज का गूंजना था, सारे जानवर जितने दरिंदे थे आप हजरत याकूब के सामने जमा हो गए। आप फरमाते हैं, बताओ मेरे यूसुफ को किसने खाया है? कौन सा वो जानवर है जिसने यूसुफ के ऊपर अपने पंजे जमाए हैं? भेड़िया हर दरिंदा गर्दन झुका के कह रहा था, याकूब हमारी औलाद क्या है, हम तेरे यूसुफ को खा सके? काफिर बताओ तो सही, अगर नगी खाया है तो ये गुर्दे पे खून कैसा है? ये खून किस चीज का है? तब एक भेड़िये ने कहा था, मैं तो रोजी की तलाश में निकला था, मैं रिज़्क़ की तलाश में आया था, मैंने देखा था आपका एक बेटा बकरी को ज़िबह कर रहा था और इस खून उस कुर्ते पे खून लगा रहा था। कहा याकूब, ये तेरे यूसुफ का खून नहीं है बल्कि ये बकरी का खून है, गोश्त मैंने खाया है, खून उस पे लगाया गया है। हमारी औकात क्या है जो तेरे बेटे को हम अलग नजर से देख सके? हमारी सफाई को कबूल कर ले वरना कयामत तक रोते रखेंगे। हैवान के अंदर तबीरी लिखते हैं कि कयामत तक भेड़िए जब तक रोएंगे यही कहते रखेंगे, याकूब हमने गुनाह है, हमने तेरे यूसुफ के ऊपर पंजे जमाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। अल्लामा तमीरी लिखते हैं, आज भी जब भेड़िए रोते हैं तो वो यही कहते हैं, याकूब हम बेगुनाह हैं, हमने तेरे यूसुफ को तकलीफ नहीं पहुंचाई। अल्लाहू अकबर, ये चले गए। ओ भाई, तीन दिन के बाद एक काफले का गुजर हुआ। जब एक काफले का गुजर हुआ उन्हें पानी की जरूरत पड़ी। अल मुख्तसर ही उन्होंने डोल डाला। हजरत जिब्रील कहने लगे, यूसुफ इसमें बैठ जाइए। जितने दिन हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कुएं में रहे, हजरत जिब्रील उनका दिल बहलाया। ओ यार, कभी रब की रजा के लिए मुसीबतें तो उठा के देखो। आज जरा सी मुसीबतें आ जाती, कहते हैं ये सारी मुसीबतें अल्लाह ने मेरे ही मुकद्दर में लिखी थी। हजरत राबिया बिसरिया रजी अल्लाह तआला, आपके सामने से एक शख्स गुजरा, उसके माथे पे पट्टी बंधी थी। मुफ्ती साहब कहला, उसके माथे पे पट्टी बंधी थी। आपने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा बहुत तेज दर्द है सर में। आपने फरमाया क्या इससे पहले भी हुआ? कहने लगा कभी नहीं हुआ। आपने फरमाया उम्र कितनी हो गई? वो कहने लगा 40 साल। आप फरमाती तो कितना जालिम है जिस रब ने तुझे 39 साल 11 महीने सुकून दिया, तूने कभी उसके शुक्र की पट्टी अपने सर पे बांधी? आज एक बार दर्द क्या हो गया तूने ना शुक्री की पट्टी अपने सर पे बांध ली? ओ भाई, अगर मुसीबतें भी आया करें, आफतों को देख के आहो फुगा ना किया करो, हाथ उठा के कहा करो या अल्लाह जिसमें तू राजी है उसमें हम भी राजी। सुभान। और फिर देखो अल्लाह कैसे तुझे बुलंद करता है, और फिर देखो कैसे रहमतों के दरवाजे खोलते हैं। सब्र का दाना, तीन दिन गुजर गए, हमने कुएं में डाला है, हम ही तुझे निकालेंगे। तवज्जो है ना आपकी? हमने तुझे कुएं में डाला है, हम ही निकालेंगे। आया काफला, डोल में बैठ गए, रस्सी खींची। जैसी डोल खींचने वाले ने देखा, हजरत यूसुफ का चांद सा चेहरा नजर आया। उसने कहा, ओ मेरे काफले वालों, खुशखबरी हो, कितना खूबसूरत बच्चा मिल गया। अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ का वो चेहरा था जिसे प्यासे देखने तो प्यास खत्म हो जाए और भूखे देखने तो भूख खत्म हो जाए। कसम खुदा की, सोचो अगर यूसुफ का हुस्न ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का हुस्न ऐसा है। सुभान अल्लाह। हां, तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाना हराम। सुभान अल्लाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने हराम। ये हुस्न उनका था। जैसे उन्होंने निकाला तो भाइयों ने सोचा चलो चल के देखें, जिंदा है खत्म हो गया। हां, जिंदा है खत्म हो गया, ये सोच करके आए थे देखने। जब देखा हजरत यूसुफ को उनके पास, तो इन्होंने सोचा अच्छा ये तो बाहर निकल आया। कहने लगे कहां लेके जा रहे हो? कहा ये हमें कुएं में मिला। भाइयों ने हजरत यूसुफ के कान में कह दिया, अगर तुमने राज खोला तो हम जाके बिन्यामीन को भी कत्ल कर देंगे। और हजरत यूसुफ को बिन्यामीन से बड़ा प्यार था। डर गए, चुप हो गए। भाइयों ने कहा कहां लेके जा रहे हो? कहा ये हमें कुएं में मिला। कहने लगे ये हमारा भगोड़ा गुलाम। उस वक्त
भगोड़ा गुलाम होना यह ऐब होता था गुलाम के लिए, जिससे कीमत भी घट गई थी। तो जैसी इतनी बात कही ना तो वो कहने लगे अच्छा फिर इसे बेच दो। तो भाइयों ने कहा कितने में खरीदोगे? कहने लगे 18 दिरहम। एक रिवायत में आया है एक मर्तबा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आईने के आगे खड़े थे, शीशे के आगे हजरत यूसुफ खड़े थे, अपना हुस्न देखा, सोचने के लगे या अल्लाह तूने मुझे कितना हसीन बनाया है, मेरे जैसा कोई पैदा ही नहीं किया होगा। फौरन गैब से आवाज आई, यूसुफ ये जो तुझे हुस्न दिया गया है ना, ये मेरे महबूब के हुस्न का सदका दिया गया है। हाँ, ये महबूब के हुस्न का सदका दिया गया है। अब सोचते होंगे लोग अगर यूसुफ का हुस्न ऐसा है तो फिर मुस्तफा का हुस्न कैसा है? बता दूं तब बताऊंगा जब बोलेंगे या रसूल अल्लाह, बताओ वरना मैं पढ़ दूंगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या इरादा है जरा बोलते या रसूल अल्लाह, बदलाओ हुस्न का जलवा मुस्तफा का देखा। हजरत जिब्रील मेराज की रात मुस्तफा को जब लेने आने लगे ना, जन्नत से लालटेन दे कंदील, जन्नत से जन्नती चराग 27वीं शब थी, बादल भी था, रिमझिम रिमझिम बारिश थी। आपने सुना होगा चौमासे की बदली वाली रातें बड़ी काली होती, चोरों का बड़ा दाव लगता है, इसलिए कि इन रातों में अगर रोशनी ना हो तो इतना अंधेरा होता है इस रात को ये हाथ नजर ना आए। 27वीं शब बादल का मौसम रिमझिम रिमझिम बारिश, जिब्रील अमीन ने जन्नत से कंदील ली है लेकर के जब चलने लगे के आवाज कुदरत आई, जिब्रील ये किधर लेके जा रहे हो? अर्ज करते हैं मालिक तेरे महबूब को दूल्हा बनाना है। 27वीं शब है, सूरज भी छुपा है, चांद भी छुपा है, अंधेरी रात है, बदलियों वाली रात है, या अल्लाह अंधेरे में तेरे महबूब को दूल्हा कैसे बनाऊंगा, इसलिए जन्नत की कंदील लेके जा रहा हूँ। आवाज आई जिब्रील ये कंदील यही रख दो, मेरे महबूब को इस कंदील की जरूरत नहीं है, या अल्लाह जमीन में अंधेरा बहुत है, अब आपसे कुदरत आती है, ए जिब्रील जाओ महबूब के तलवों को बोसा देना, और जब महबूब उठ जाए तो हमने अपने महबूब के चेहरे पर 70,000 पर्दे अपनी गैरत के डाल दिए हैं, सिर्फ एक पर्दा हटा देना, एक पर्दा हटेगा कि सिर्फ उस आंगन को नहीं बल्कि महबूब के चेहरे से सारे जमानों को रो रो कर देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हट जाए तो जमाना रोशन हो जाए, बेशक और जिसके चेहरे से 70,000 पर्दे हटा दो फिर उस जलवों को देखने के लिए आदास रह जाए। बेशक उसने यूसुफ से कटी मिस्र में पूछते जना सर कटाता तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बेशक मैंने कहा था साहिब रिश्तों की कदर करो। हजरत यूसुफ के दिल में ख्याल आया इतना हसीन बेटा अगर मेरे बाप मुझे बेचते ना तो मैं बड़ी कीमत में बिकता। तवज्जो कीजिए, अगर मेरे बाप मुझे बेचते ना तो मैं बड़ी कीमत में बिकता और मुझे बड़ी कीमत मिलती। मशीयत ने फैसला कर दिया यूसुफ अपने हुस्न पे इतना नाज कि अगर बिकोगे तो बेशुमार कीमत में, आओ तुम्हें बेचेंगे हम। कुएं से निकले भाइयों ने 18 दिरहम में बेच दिया खोटे से। हजरत यूसुफ के दिल पे ख्याल आया कि मेरी इतनी कीमत, मुझे तो बड़ा नाज था अपने हुस्न पे 18 दिरहमों में बेचा गया। गैब से सदा आई यूसुफ तूने हुस्न पे नाज किया था, हमने तेरे हुस्न की कीमत तुझे दिखाई। और फिर उसके बाद जब हजरत यूसुफ को ये लेके चले खरीदने वाले भाइयों ने कहा इसके पैर बांध देना ये भगोड़ा है कहीं भाग ना जाए। जब आपके पैर बांधे गए हाथों में हथकड़ी पैरों में भी बंदिशें लगा दी गई, जब बंदिशें लगाई गई भाई लेके चलने लगे ना तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने खरीदार से कहा था मेहरबानी कर मुझे एक मौका और दे दे। का कौन सा मौका? कि ये जितने हैं मुझसे मुझे जैसे एक बार मुलाकात करनी है। ओ यार भाइयों की कदर करो, हजरत यूसुफ से पूछो जिन भाइयों ने 18 सिक्कों में बेचा था 18 दिरहम में बेच दिया था खोटे सिक्कों में, उन भाइयों के पास हजरत यूसुफ आए और अपने हाथ हर भाई के गले में डाले और डाल के गले मिलते जाते रोते जाते और ये कहते जाते भाइयों जो मेरे साथ किया है वो मेरे बिन्यामीन के साथ मत कर देना।
जो तुमने मेरे साथ किया है ये मेरे भाई के साथ मत कर देना। और कहते जाते जो तुमने किया है मैं बद्दुआ नहीं देता, मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं देता, ये कह के मिलते जाते रोते जाते, मिलते जाते रोते जाते। आखिर में जब चलने लगे पलट के आखिरी बार भाई के चेहरे की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, भाई तुमने मुझे तमाचे लगाए मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने मुझे जमीन पे घसीटा मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने मुझे लातों से मारा मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जाते जाते कह रहा हूँ, भाई बता दो मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है जो मुझसे इतनी नफरत करते हो। इतनी बात हजरत यूसुफ ने कही तो खरीदार तो रोने लगे थे लेकिन भाइयों की आंखों में कोई आंसू नहीं आया था। भाई जब बेच के चलने लगे हैं भाई तो पलटे अपनी मंजिल की तरफ और हजरत यूसुफ चले हैं अपने बाजार की तरफ। जब चलने लगे इत्तेफाक देखिए कि ये काफिला किनान के कब्रिस्तान के पास से गुजरता है। इसी किनान के कब्रिस्तान में हजरत यूसुफ की वालिदा हजरत राहील की कब्र अनवर मौजूद थी। आप अपनी सवारी पर थे, जैसे हजरत यूसुफ को मां की कब्र नजर आई है अल्लाह अकबर अब सब्स ना हो सका, सब्स के बंधन टूट जाते हैं, बर्दाश्त के पहरे छूट जाते हैं। आपने मां की कब्र को देखा, जी चाहता था आज मां की कब्र पे चले। कक्ल कहती थी यूसुफ आज आखिरी सफर है, खुदा जाने जिंदगी में अब मां की कब्र पे कभी आना नसीब हो के ना हो। ओ साहिब अगर मां का इंतकाल हो चुका है जिंदगी साथ दे तो कभी मां की कब्र पे चले जाया करो, मां की कब्र पे चले जाया करो, ये तुम्हारा इंतजार किया करते हैं। इधर हजरत यूसुफ को देख लिए जब चलने लगे हैं मां की कब्र नजर आई है। आप सवारी पर थे, पैर भी बंधे हैं हाथ भी बंधे हैं, उतर नहीं सकते थे सवारी से, लेकिन मजबूरी के आलम में जब बर्दाश्त न हो सका आपने अपने आप को सवारी से नीचे गिराया है और कोनियों के बल चलते हुए हजरत राहील की अपनी मां की कब्र अनवर पे गए। और जाने के बाद हजरत यूसुफ ने यूं मां की कब्र की मिट्टी उठाई है और उठाने के बाद कहा था, ए मां पहले तो मुझ पे, ए मां तू अगर आज अपने बेटे को इस हाल में देखती तो तेरा कलेजा पानी पानी हो जाता। ए मां जिस बेटे को तू चाम कह के पुकारा करती थी आज उस बेटे के मुंह पे तमाचे भी लगाए गए हैं। ए मां तू जिस बेटे को जिगर जिगर ठंडा कहा करती थी आज उन तेरे तेरे भाइयों ने उस बेटे को 18 दिरहम में बेच दिया है। ये कह के मां कब्र से लिपट के रो रहे हैं, अपने दर्द की दास्तान सुनाते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। इतने में काफिले वालों ने देखा कि यूसुफ नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे पलटे हैं पीछे एक आया पहरेदार पीछे आके हजरत यूसुफ को तलाश करते करते आया। आकर के देखा हजरत यूसुफ मां की कब्र से लिपटे हुए थे। चूंकि भाइयों ने कह दिया था ये भगोड़ा है इसका ख्याल रखना, उनके सहन में ये बात आई कि भाग के जा रहा था। ये सोच करके वो आए और आने के बाद एक ने आगे बढ़ के हजरत यूसुफ को पकड़ा पकड़ के खड़ा किया। चुप रहा था हजरत यूसुफ ने कहा, नहीं ये मेरी माँ की कब्र है, आखिरी बार माँ से मिल रहा था। अल्लाह अकबर जैसे इतनी बात कही है उसने हजरत यूसुफ के मुंह पे तमाचा लगाया। जैसे तमाचा लगाया है हजरत यूसुफ की चीख निकली, माँ की कब्र अनवर की तरफ देखा और रो रो कहा था, माँ अब तक तो भाइयों ने तमाचे मारे हैं, अब मिस्र वाले तमाचे मार रहे हैं। इतना कहना था माँ की कब्र अनवर हिलने लग जाती है। हजरत राहील की कब्र से सदा आई है, जिसने मेरे बेटे के तमाचे लगाए हैं मालिक तू उसके साथ इंसाफ कर दे। इतना कहने की देर थी आंधी चली है और जिसने तमाचा लगाया था उसके हाथ पे फालिज हो जाता है, हाथ फौरन सूख जाता है, उसकी चीख निकलती है, कहे अमीरे काफिला जरा जल्दी कर कर यूसुफ से मिल गया है लेकिन मेरा हाथ सूख गया है। वो तोड़ करके आया कहने लगा, क्या हुआ? लगा मैंने इस बच्चे के तमाचे लगाए हैं, एक तमाचा लगाया इसने कब्र की तरफ देखा और न जाने कब्र में किसने क्या कहा है। उसके बाद उसका आलम ये है कि मेरा हाथ सूख गया है। अमीरे काफिला ने आके कहा था, ए बेटे बता तो सही क्या तूने इसके लिए दुआ की है? इतना सुनना था हजरत यूसुफ कहते हैं, हम कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं किया करते हैं, हम बद्दुआ नहीं किया करते हैं। कहा पता तो सही फिर हाथ क्यों इसका सूख गया और कौन है जिसकी कब्र की तरफ तूने रुक करके आवाज दी है? हजरत यूसुफ ने कहा था, ये मेरी माँ की कब्र अनवर है, जब इसने तमाचा लगाया तो मेरी माँ ने देख लिया था और ये मेरी दुआ नहीं है बल्कि मेरी माँ की जबान से निकले हुए जुमले हैं। अमीर काफिला ने कदम पकड़े हजरत यूसुफ के, कहने लगा बेटे जो कथा हो गई है इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उसके बाद आपने कहा था अगर माफी मांगनी है तो मेरी माँ से माफी मांगो जिसके सामने मुझे तमाचा लगाया गया है। अमीर
امیر قافلہ نے ماں کی قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اے اس نیک سیرت بچے کی ماں میں معافی چاہتا ہوں معاف کر دیجئے اتنا جملہ کہا تھا قبر سے آواز آتی ہے یا اللہ میں نے بیٹے پہ ظلم کرنے والے کو تیری رضا کے لیے معاف کر دیا ہے تو بھی معاف فرما دے اتنا کہنا تھا کہ بھی بھم جاتی ہے بازو بھی درست ہو تو نظر آتا سبحان اللہ حضرات یہ حضرت یوسف ہیں اب جب یہاں سے گئے بازار میں بکنے کے لیے تو خیال حضرت یوسف کا یہ تھا میرا تو میری تو قیمت 18 تیرے میں مجھے کون خریدے گا لیکن آج مشیت کہہ رہی تھی یوسف تو نے اس دن حسن پہ ناز کیا تھا آج تیرا ناز ختم ہے آج ہم تجھے دکھاتے ہیں تیرے حسن کی قیمت کیا ہے اور خدا کی قسم جب حضرت یوسف کو بازار میں بیچا گیا نا تو بڑے بڑے امیر کھڑے تھے دولتیں سونے چاندی ہیرے جواہرات ڈھیر لگے تھے اور جس نے خریدا نا خدا کی قسم اتنی قیمت میں خریدا گیا کہ جس کا میں اور آپ اندازہ تک نہیں لگا وقت بدلا حضرت یوسف نے صبر کا دامن نہ چھوڑا داستان بڑی لمبی ہے لیکن آخر میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں ایک دن وہ آیا کہ حضرت یوسف نے 36 سال قید میں گزارے کتنے 36 سال بیٹے کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی جب آپ قید سے باہر نکلے اللہ نے پھر حضرت یوسف کی شان زمانے پہ ظاہر فرمائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر جب تخت شاہی عطا ہوا آپ کے سر پہ جو تاج رکھا گیا جس کرسی پہ آپ بیٹھے تھے نا وہ کرسی بھی سونے کی تھی اس میں ہیرے جواہرات جڑے تھے اور سامنے 9000 سامنے وزیر بیٹھے ہوئے تھے 9000 وزیر حضرت یوسف کے تھے اندازہ لگائیے کتنی بڑی بادشاہت کی اللہ نے ذمہ داری حضرت یوسف کو سنبھالی جس میں 9000 وزیر تھے کرسی پہ بیٹھ کے رونے لگے آواز قدرت آئی میرے یوسف آج کیوں رو رہا ہے ہم نے تجھے سلطنت بھی دے دی رو کے کہتے ہیں یا اللہ میرے بھائیوں کی یاد ستا رہی ہے کن کی یاد آئی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا جنہوں نے 18 سکوں میں بیچا تھا کہتے ہیں یا اللہ یہ سلطنت ہے 9000 وزیر ہیں یہ کرسی ہے بادشاہت ہے سب سے بھائی نہیں ہے تو اچھا نہیں لگتا آواز آتی ہے یوسف تیرے مانگنے میں دے رہے ہمارے دینے میں دے رہے مانگ کیا مانگتا ہے کہ بھائیوں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے 3 دن کے بعد اللہ نے بھائیوں کو مصر میں پہنچا دیا اور پھر ساگر بھائی جب سامنے تھے داستان بہت لمبی ہے بھائی جب سامنے تھے اور جب راز کھلا چہرے سے پردہ ہٹا بھائیوں نے پہچان لیا یہی یوسف سے گردن جھکائی کہنے لگے گردن جھکانے کی ضرورت نہیں ہے تم میرے بھائی لگتے ہو میں نے تمہیں پہلے ہی دن اپنے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا اور یار ہمارے بھائیوں نے تو اتنا ستم بھی ہم پہ نہ کیا جتنا حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا مہربانی کرو اگر بھائیوں سے خطا ہو جایا کرے وقتی طور پہ غصہ آتا ہے بعد میں معاف کر دیا کرو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائیوں کے بغض دل میں نہ رکھا کرو بس یہی آج کا سبق ہے رشتوں کی قدر کرو بھائیوں کی عزت کرو بات بات پر ان سے ناراض ہو کے ان کے گلے نہ کاٹو انہیں جیل اور کورٹ کچہری کے چکر نہ لگاؤ انچ دو انچ کے پیچھے ان کے سر نہ پھوڑو اپنے بھتیجوں کو جو اولاد کی طرح ہے انہیں یتیم و لاوارث نہ بناؤ اللہ توفیق دے تمہیں اللہ نے دولت دی ہے اللہ نے تمہیں امیر بنایا ہے تو اکیلے کھانے میں مزہ نہیں آتا تیرے گھر کے دسترخوان پہ اچھی نعمتیں سجی ہیں اور ایک بھائی تیرا ٹھیلا لگا کے مزدوری کر کے تھک کے آیا ہے اس کے دسترخوان پہ چٹنی ہے تو اگر تیرے دسترخوان پہ اچھا کھانا ہے پیالے اٹھا قریب بھائی کے دسترخوان پہ چلا جا اور اپنے سامنے اس کو بٹھا پہلا لقمہ اپنے ہاتھ سے توڑ قریب بھائی کے منہ میں پہلا لقمہ دے خدا کی قسم اللہ تیری دولت سے راضی نہیں ہوتا جب تم لقمہ اپنا ہاتھ سے بنا کر کے قریب بھائی کے منہ میں دے گا ادھر قریب بھائی مسکرائے گا ادھر خدا کی رحمتیں مسکرانی شروع ہو جائے سبحان اللہ ہاں ایسے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ توفیق دے جب بھی کبھی کوئی خوشیاں ملا کریں مصطفیٰ کے ذکر کی محفلیں آباد کیا اور ان محفلوں میں مولویوں سے کہا کرو کہ حضرت جی فضائل بہت سن لیے ہیں کم سے کم کوئی ایسی بات بتا کے چلے جاؤ جس پہ ہم عمل کریں تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہماری موت بھی کامیاب ہو جائے مہربانی کریں کریں گے نا انشاءاللہ بھائیوں کی قدر کتنے لوگ کریں گے ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ حاجی میں وہ مذاق مجھے نہیں آتا کتنے لوگ اتنا کہہ کے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں کہلوائیں کہتے ہیں نہیں
ये तो बड़े सादा दिल लोग हैं, ये तो नबी के इश्क में यहाँ बैठे हैं, इनका दिल भी मदीने में होता है, दिमाग भी मदीने में होता है। फिर बातों में अगर इधर उधर भूल हो जाए तो मजाक ना किया करो, बस मेहरबानी करें, भाइयों की कदर करेंगे इंशाल्लाह, रिश्तों की कदर करेंगे इंशाल्लाह, अपनों की कदर करेंगे इंशाल्लाह, माँ बाप की इज्जत करेंगे, बोलो इंशाल्लाह, जोर से बोलो, चंदा लेने नहीं आए हम आपसे, बस कुछ देने आए हैं, भाइयों की कदर करेंगे इंशाल्लाह, बस अगर अल्लाह कोई नियमत दे तो ये नहीं लिखना ये मेरी माँ की दुआ है, हमेशा ये लिखना ये मेरे वालिदैन की दुआ है, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। दो बातें याद रखनी है, रिश्तों को टूटने नहीं देना है, माँ बाप को रूठने नहीं देना है, अगर ये रूठे तो रब रूठ जाएगा, अगर ये नाराज हुए रब नाराज हो जाएगा, अगर ये राजी है रब भी राजी है, और रिश्तों की कदर करना, जिस दिन रिश्ते चले गए कोई सीने से लगाने वाला नहीं मिलेगा, अपने ही होते हैं जो सीने से लगाया करते हैं। मौला करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने इतनी देर अल्लाह के अच्छे बंदों का और उसके महबूब का तज़किरा किया, या अल्लाह ज़िक्र खैर के सबसे में हम सबके घर बार में साहिब खाना के घर बार में बरकत अता फरमाए, और जिस बच्चे के अकीके के सिलसिले में इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया है, मौला करीम उस बच्चे को दिन दूनी रात चौक ईमानदारी के साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।